डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का वीडियो है हमारा सीएसएस विद डिवीजन टैग। डिवीजन टैग में बेसिकली क्या होता है, डिवीजन टैग पर आप नंबर ऑफ सेक्शंस, नंबर ऑफ ब्लॉक्स आप क्रिएट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्वेरी फॉर्म या फिर अगर हम बात करें एडवर्टीज़मेंट, तो एडवर्टीज़मेंट जैसे आपने देखा होगा एक वेबसाइट पर कॉर्नर सेक्शन पर जो है आपके एडवर्टीजमेंट चलते रहते हैं, तो वो सब पॉसिबल है डिवीजन टैग के थ्रू। तो डिवीजन टैग आपका क्या होता है, DIV, दैट इज़ डिवीजन टैग, सिंपली टैग है ये आपका, डिवीजन ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिवीजन टैग यूजिंग CSS। तो जैसा कि यहाँ पर कोडिंग पर मैंने अभी केवल अप्लाई करा है, डिवीजन टैग के अंदर लिखा है डिवीजन टैग इन लेसन नंबर 8। तो अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं, वैसे मैंने यहाँ पर सब कुछ ओपन किया हुआ है, तो F5 करते हैं तो ये सिंपली लिखा हुआ आएगा आपका डिवीजन टैग इन लेसन नंबर 8। ऐसा सच कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है इस पर। तो अब हम इस पर अप्लाई करेंगे CSS स्टाइल। तो CSS स्टाइल के लिए हम लिखेंगे स्टाइल, स्टाइल के बाद आएगा आपका डिवीजन कर्ली ब्रैकेट्स, एलिमेंट ले रहे हैं हम यहाँ पे, उसका जो स्टाइल अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे विड्थ कॉलन 400 पिक्सल्स, ये इसका साइज़ है जो हम इसकी डिवीजन की जो हम विड्थ सेट कर रहे हैं यहाँ पे, विड्थ एंड हाइट 200 पिक्सल्स। और इसके बाद हम डिवीजन टैग का जो हमारा बैकग्राउंड होगा वो सेट करेंगे, बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रीन सेमी कॉलन, और उसके बाद आपका ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, देन स्टाइल क्लोज। तो आइए चलिए एक बार देख लेते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैंने डिवीजन टैग अप्लाई किया है, जिसके अंदर मैंने बॉडी सेक्शन के अंदर यूज़ करा था डिवीजन टैग। उसका स्टाइल है हमारा, जो इस डिवीजन टैग का जो स्टाइल है, यानी कि जो डिवीजन टैग जो मैंने यूज़ करा है इसके अंदर, उसकी जो विड्थ है वो है 400 पिक्सल्स, हाइट है इसकी 200 पिक्सल्स। अब मैं इसकी हाइट अगर बढ़ा देता हूँ, इंक्रीज़ कर देता हूँ 500, तो ये उतना ही हमारा नंबर ऑफ जो ब्लॉक है, ऐसे हम नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसका साइज़ इंक्रीज़ करा है तो ये साइज़ इसका बढ़ चुका है। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि इसकी अभी जो हाइट है वो कम रहे, तो मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 400। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग डिवीजन टैग। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अब डिवीजन टैग के अंदर अगर सपोज़ कोई एडवर्टीज़मेंट आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जो एडवर्टीज़मेंट्स होते हैं वो मार्केट डायरेक्शन बेसिस होते हैं, कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। तो इस तरीके से हम अपने टैग पर एक बार मार्क्यू अप्लाई करके देखते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर लिखना है मार्क्यू टैग, आपने स्टडी कराई है इस, तो मार्क्यू टैग देखिए यहाँ पर मार्क्यू टैग आ रहा है। अगर मैं इसकी साइज़ और रिड्यूस कर देता हूँ तो ये जस्ट लाइक एक एडवर्टीज़मेंट के तौर पर दिखेगा आपको, जैसे कहीं पर भी वेबसाइट पर आप इसको कहीं पर भी प्लेस कर सकते हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको सेट करें डिवीजन टैग को। अब यहाँ पर मार्क्यू अप्लाई हो चुका है, बट मार्क्यू को हम थोड़ा सा उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं मार्क्यू के वो देख लेते हैं, लाइक डायरेक्शन, डायरेक्शन हम सेट करते हैं डाउन, सेव,
देखिए ये डायरेक्शन आ रहा है इसका डाउन की तरफ। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मार्क्यू हमने यहाँ पे लगाया है, मार्क्यू एग्जैक्ट जो स्पेस है वो नहीं ले पा रहा है, तो हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे मार्क्यू का जो विड्थ है, विड्थ हम कर देते हैं 100% परसेंटाइल स्पेस हाइट इज इक्वल टू 100 आप देखेंगे मार्क्यू डायरेक्शन का जो हमारा जो टेक्स्ट है डिवीजन टैग इन लेसन नंबर 8 वो पूरा कवर कर रहा है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जा रहा है। पहले क्या हो रहा था, पहले वो आधे सेक्शन पर ही क्लोज हो रहा था क्योंकि उसको हमने प्रॉपर विड्थ और हाइट सेट नहीं करी थी। तो ऐसे आप अपना डिवीजन टैग विद मार्क्यू और बहुत सारे टैग्स हैं आप यूज़ कर सकते हैं यूजिंग डिवीजन टैग। अब इसमें हम एक काम करते हैं, इसमें हम जो विड्थ है उसको हम और रिड्यूस कर देते हैं 150 100 पिक्सल्स। तो जैसा आप देखते हैं वेबसाइट का जो सेक्शन आता है उसमें एडवर्टीज़मेंट का, तो वहाँ पर आप ऐसे एडवर्टीज़मेंट भी चला सकते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट यूज़ करा है, तो आप इसी तरीके से कोई भी इमेज लगाएं या अपने अकॉर्डिंग आप स्टाइल दें अपने वेब पेज को। तो इस वीडियो में बस इतना ही स्टूडेंट, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।